एक लेजेंड के मुताबिक महाभारत युद्ध में जब गोपियां कृष्ण की विरह वेदना झेल नहीं पाती थी तो अपना ध्यान बटाने के लिए रंगोली बनाती थी। एक और लेजेंड की अगर हम माने तो रंगोली का ओरिजिन हिंदू एपिक्स से भी पुराना है, और एक लेजेंड तो रंगोली के ओरिजिन को एट्रीब्यूट करता है टू लॉर्ड ब्रह्मा। वेल, रंगोली का ओरिजिन चाहे जैसे हुआ हो, आज की तारीख में रंगोली बन गई है एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हर हिंदू सेलिब्रेशन का, और दिवाली आने को है तो हमने सोचा क्यों ना दिवाली के मौके पर हम भी कुछ रंगोली की ही बातें कर लें। तो रंगोली बनाने के लिए और रंगोली के बारे में बातें करने के लिए हम मिले सिंगापुरियन इंडियन रंगोली आर्टिस्ट विजया मोहन जी से। विजया जी ने यहाँ सिंगापुर में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया फॉर मेकिंग द लार्जेस्ट रंगोली विच वॉज द साइज ऑफ 3 बैडमिंटन कोर्ट्स इन द ईयर 2003। विजया जी के नाम 32 सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी है। So earlier in the week, we met her and she made us a beautiful rangoli. With this Guinness Book of World Record, you have 32 Singapore Book of Records as well. Yeah. 32s. Yeah. So, I think I heard from my last one, he said I'm the person who is holding the maximum number of records. So, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सिंगापुर में जो लोकल सिंगापुरियंस हैं उनको इस आर्ट से इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है टुवर्ड्स रंगोली? दे लाइक वेरी मच एंड द वे आई गिव देम इज इन सच अ वे बिकॉज़ दे कैन नॉट बेंड एंड डू एंड दे कैन नॉट यूज पाउडर्स बिकॉज़ सम ऑफ देम दे डोंट लाइक टच द पाउडर्स। ओके, आई स्टिल ट्राई बट आई यूज कलर सैंड एंड आल्सो लाइक कलर राइस सैगो मैक्रोनी ऑल न्यू आइटम्स आई यूज एंड देन दे कैन सिट ऑन द टेबल एंड डू सो दैट वे दे लर्न अवर कल्चर द ट्रेडिशन एवरीथिंग. At the same time, they are not like feeling uncomfortable when doing the art. So it's still like you, हमारा जो art है, हमारा जो culture है, it's reaching out to them, but in a little modified way. That's why I call it Singa Rangoli. Singa Rangoli. Singapore version of Rangoli. Singapore version of Rangoli. Yeah. आपने Mr. Prime Minister, Mr. Lee के साथ भी रंगोली बनाई है, and उनके साथ जब आप रंगोली बना रही थी, because of course he's the VVIP here.
तो उनके साथ जब आप रंगोली बना रही थी तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ द पीपल बिहाइंड हिम दे से डोंट मेक हिम टच, डोंट मेक हिम सिट, डोंट मेक हिम डू ऑल दोस थिंग्स, बट ही इज वेरी इनटू इट। ही से व्हाट एम आई सपोज टू डू। जैसे आप जब रंगोली बना रही थी तो आपने बोला कि ये दो फिंगर्स का हमें इस्तेमाल करना जरूरी है, तो इसके पीछे का जो साइंस है कि हम क्यों ये ही दो फिंगर्स के साथ करते हैं, पूरा हाथ नहीं करते? ठीक है, बारीक पैटर्न है, आई कैन अंडरस्टैंड, सो यू यूज ओनली टू फिंगर्स, बट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? दिस इज एक्चुअली चिन मुद्रा, बिकॉज़ व्हेन यू व्हेन द सेंट्स दे सिट, व्हेन द मोर एंड मोर यू प्रेस, सो द ब्रेन स्टिमुलेशन हैपेंस एंड आल्सो द ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव्स, एंड व्हेन यू सी द कलर्स द नर्वस सिस्टम लाइक एक्टिवेटेड, ऑल दोस थिंग्स, द चक्रास ऑफ योर बॉडी गेट्स एक्टिवेटेड। कलर्स हैं तो कलर थेरेपी भी आपका साथ में हो रहा है, एंड देन आप हल्दी, कॉफी, बहुत सारे ऐसे चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर ऑल योर फाइव सेंसेस। यस, यू कैन स्मेल इट। या आई कैन स्मेल द कॉफी, आई कैन स्मेल द कॉफी, यस, एंड आई कैन स्मेल द हल्दी हियर। तो ये जब आप जब ये सब ये जब करती हैं, आप बहुत सारी एसोसिएशंस के साथ भी काम करती हैं, ऑटिस्टिक एसोसिएशन, एल्डरली, तो उनके साथ जब आप काम करती हैं तो ये उनको किस तरीके से हेल्प करता है या मोटिवेट करता है? एक्चुअली द कलर्स एंड कलर्स गिव विजुअल स्टिमुलेशन एंड देन ऑल द मटेरियल वो लोग यूज करता है ना, वो सेंसरी स्टिमुलेशन करता है, एंड दे टच फील एंड डू इट एंड दे एंजॉय एंड द पैटर्न्स मेक देम हैप्पी, या एंड देन आफ्टर दे फिनिश द फिनिश्ड प्रोडक्ट, वाओ आई हैव डन लाइक दिस, सो इट्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। यस, वो अच्छा लगता है वो लोग को करने को। तो अब आप अगला जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कब अटेम्प्ट करने की सोच रही हैं? एक्चुअली आई वाज सपोज्ड टू डू दिस ईयर, बट दिस कोविड का वजह से आई एम नॉट एबल टू, सो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आई एम प्लानिंग वन। कोविड ओके? यस, कोविड ओके। रंगोली दैट आई वांटेड टू डू विद द कम्युनिटी ऑफ पीपल, ओके, something largest or longest something. Yeah, so ma'am, any message that you would want to give to the viewers who are watching you, how to start, like, you know, what is the basic step to start a rangoli? No, but I feel, no, if you tell the people, those who don't know to draw rangoli, they'll say kya to karne ka, sab, all those things will come, but please don't play with colors, though draw some design, at least draw some flower, you know how to draw flowers and then color the flowers every day, because colors gives you a lot of energy and changes your mood. Yeah, because when your mood is already very positive and very good, you will have lot of strength and you will have lot of self confidence to face anything that's happening in your life. Yeah, exactly. And yeah, like go back to kindergarten, play with colors. Yeah, let it be holy every day probably. Yeah. just indulge yourself in that sense. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम निकाला एंड सच अ ब्यूटीफुल आर्ट पीस, एंड आई थिंक इन लेस देन 15 मिनट्स, आई मीन टू मी इट विल टेक आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स टू फिनिश दिस, बट सर्टेनली आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू अ मास्टर, सो थैंक यू सो मच मैम।